रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा हफ्ता चल रहा है और दोनों ही देशों को भयंकर नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी अधिक हुई है। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यानी UNDP ने कहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन में लगभग 100 अरब डॉलर की ढांचागत सुविधाएं यानी सड़क, पुल, हवाई अड्डे, रेल लाइन, बंदरगाह वगैरह बर्बाद हो गई है। UNDP ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष जारी रहा तो यूक्रेन की लगभग 2 दशकों की आर्थिक प्रगति बर्बाद हो सकती है और लगभग 90% लोग एक बार फिर गरीब हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि गंभीर विकास झटकों के अलावा पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है, जबकि सामाजिक असमानताएँ भी बढ़ सकती हैं। UNDP के प्रशासक अखीम स्टाइनर ने कहा कि इन झटकों को रोकने और उन्हें मुश्किल से हासिल किए गए विकास लाभों की रक्षा करने के लिए हमें अब शांति की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, यूक्रेन में युद्ध अकल्पनीय मानव पीड़ा का कारण बन रहा है, जिसमें जीवन की दुखद हानि और लाखों लोगों का विस्थापन शामिल है। एक खतरनाक आर्थिक गिरावट और पहले से ही पीड़ित आबादी के लिए इस पीड़ा और कठिनाई पर अब अधिक ध्यान होना चाहिए। इस गंभीर संकट को रोकने के लिए अब भी समय है। संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि यूक्रेन में 10 में से लगभग 3 लोगों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता की आवश्यकता है। लड़ाई की वर्तमान दिशा के आधार पर लगभग 1,80,00,000 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है और 70,00,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से भागना पड़ सकता है। प्रारंभिक अनुमान यह है कि गरीबी में गिर जाने के हालात का सामना कर रहे 26,00,000 लोगों की आंशिक आय की भरपाई करने के लिए प्रति माह $25 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। UNDP ने कहा कि सबसे कमज़ोर हालात वाले लोगों को प्रतिदिन $5.50 की प्राथमिक आय मुहैया कराने पर लगभग $43 करोड़ की राशि प्रति माह खर्च होगी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन के जिन पड़ोसी देशों ने देश से निकलने वाले 30,00,000 से अधिक शरणार्थियों की सहायता करने में अनेक तरह की मुश्किलों का सामना किया है, उन्हें भी मदद की ज़रूरत है। उस मोर्चे पर UNDP पहले से ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें हिंसा से विस्थापित लोगों के लिए सहनशीलता विकसित करने और विकास उपायों के साथ साथ आय सृजन व रोजगार उपलब्धता के माध्यम से शरणार्थियों और मेजबान समुदायों की सहायता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे यह भी साफ है कि यदि युद्ध तुरंत नहीं रुका और यूक्रेन को समय पर मानवीय सहायता नहीं दी गई तो यूक्रेन के लाखों लोग भयानक संकट में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही यह भी बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और आगे आने वाले कई सालों के लिए उससे निकलना उसके लिए मुश्किल होगा।